हाँ डाल चंगे से मिक्स करो। ये हम ट्राई करके आप लोग को बताते हैं और टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा लग रहा है, देख सकते हैं इसको। अब बहुत गर्म है यार, बहुत गर्म गर्म था यार, क्या बात। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, फिर से हमारे न्यू वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग पचौनी बनाने वाले हैं, बकरे का पचौनी। तो आप लोग देख सकते हैं ये अब पूरा साफ करके लाए हैं घर से ही, और अभी हम लोग देख सकते हैं पूरा ज़बरदस्त के लोकेशन के साथ एकदम जंगल के बीचों बीच आए हैं। और देख सकते हैं ये छोटा सा इधर तालाब है, तो आज हम लोग इधर ही बनाने वाले हैं। तो अगर हमारे चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग को दिखाते हैं और कैसे अभी ये कटिंग कर रहा है। ये कट कुट करने के बाद पूरा बनाने का प्रोसेस आप लोग को दिखाएंगे, कैसे हम लोग बनाएंगे, ठीक है। देख सकते हैं इस तरह कुछ है। तो अभी हम लोग इसको पूरा कटिंग कर लेंगे, छोटा छोटा पीस करेंगे, उसके बाद बनाएंगे। और अभी आ लाएंगे मसाला वगैरह घर से, तब तक ये काट कूट करके रेडी करेगा, उसके बाद आगे का प्रोसेस आप लोग को दिखा। तो दोस्तों काट कूट करके सब रेडी हो गया, देख दिखा सकते हैं आपको। और इधर वो बंदा भी देखो चूल्हा बना रहा है। अभी इधर हम लोग अभी बनाएंगे जंगल में, देख सकते हो कटिंग करके रेडी हो गया है, देख सकते हैं इस तरह कोई कटिंग करके रेडी। उसको फिर अभी धो के लाए हैं ना, इसलिए इसे कलर दिख रहा है। और देख सकते हैं अभी इधर चूल्हा बना रहे हैं, इधर आराम से मिजाज से बैठ के बनाएंगे जंगल में। तो दोस्तों देख सकते हैं इस तरह की चूल्हा बना करके रेडी करके देख रहे हैं। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। तो दोस्तों अभी मैं प्याज वगैरह काट के अभी रेडी करता हूँ, उसके बाद उधर जा चुका है। और देख सकते हैं इधर तेल भी डाल दिए, राख भी लगा चुके हैं अभी। हाँ तो दोस्तों तो देख सकते हैं अभी तेल गरम हो गया है, अभी इसको थोड़ा मसाला, ये जीरा और दालचीनी, इलायची और काली मिर्ची, ये सब मिक्स करके इसमें डाल देते हैं। अरे बाप रे, अबे अबे पड़ती लग गया। तो दोस्तों ये खड़ा मसाला डाल दिया, उसके बाद डालेंगे दो तीन तेज पत्ता। हाँ उसके बाद इसको थोड़ा चंगे से इसको थोड़ा मिक्स करेंगे। हाँ उसके बाद फिर अभी डालेंगे प्याज, उसके बाद प्याज डालेंगे। इधर जंगल में बनाने का मजा ही कुछ अलग है। तो दोस्तों देख सकते हैं वो थोड़ा हल्का ब्राउन हो गया, अब इसको प्याज डालेंगे। ये आधा किलो प्याज डाल दिए, आधा किलो से कुछ कम था, उसको थोड़ा भुनेंगे कम से कम। प्लास्टिक हो गया, अभी इसको कम से कम, अभी इसको पूरा आग में कम से कम 10 मिनट तक इसको पकाएंगे। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं ये लहसुन भी, अभी इसको खारे लहसुन थोड़ा इसमें डाल देते हैं ताकि इसमें मज़ा आएगा। क्या है कि इसको मटन में के लिए वो अलग से कीमा लाए हैं, वो लहसुन का पेस्ट उसको डालेंगे। ये खारे के लिए डाल दिए हैं, मज़ा आएगा खाने में। तो दोस्तों ये पूरा प्याज ब्राउन हो गया, उस पर थोड़ा डालेंगे हरा मिर्ची, पहले डाले नहीं थे, अभी हरा मिर्ची डाल दिए। उसके बाद ये मसाला, मसाला डाल दे रहे हैं, उसके बाद इसको मसाला को थोड़ा तेल में ये करेंगे और सब मसाला डाल लेते हैं, उसके बाद आप लोग को दिखाते हैं बस अपने। फाइनली दोस्तों अभी इस तरह मसाला अभी बन के ये हो गया है, इसमें अभी डालेंगे वो पचौनी जो लाए हैं, खस्सी वाला पचौनी, वो वाला डालेंगे। अभी थोड़ा इसको 10 मिनट और पकने देंगे ये मसाला को, उसके बाद डालेंगे, ठीक है। तो ये मसाला बन के रेडी हो गया है और अभी हम वो पचौनी डालने जा रहे हैं। धीरे डाल, हाँ डाल चंगे से मिक्स कर। तो दोस्तों अभी ये डला जा चुका है मसाले में, और अब इसको पूरा मिक्स करेंगे अच्छे से। ये मसाला तो कम नहीं पड़ा, ना ही रे हो जाएगा क्या। पचौनी, पचौनी यार देख सकते हैं दोस्तों, पचौनी 2 किलो करीब है पचौनी यार, 2 ही आदमी है, कैसे खा के ख़त्म कर पाएंगे पता नहीं। देख सकते हैं ये स्थिति है अभी, अभी इसको मिक्स मत करके अभी सारा चीज़ मिक्स कर दिए, उसको अभी उसको ढकेंगे कम से कम 20 मिनट, इससे ढक देते हैं 20 मिनट के लिए, पूरा पकने देंगे, उसके बाद फिर क्या स्थिति होता है उसके बाद फिर देखते हैं। तो दोस्तों अभी चेक करने जा रहे हैं अभी फिर कैसा स्थिति है, अभी पका है कि नहीं। अभी इतना जल्दी तो नहीं पकेगा, कम से कम आधा घंटा पकने के लिए देंगे, थोड़ा चेक करना रे, जल उल जाएगा नहीं थे।
तो अभी थोड़ा चेक कर रहे हैं दोस्तों, पानी तो छोड़ दिया है, एक जरा सा भी पानी नहीं डाले हैं, पानी छोड़ दिए। आई गिरा गया, देख सकते हैं दोस्तों पाचूनी में यही होता है, पानी तुरंत तुरंत छोड़ देते हैं। जला जला लगता है तो इसीलिए तो बोलना चलाने के लिए, जल जाएगा नहीं तो। दोस्तों कुछ स्थिति इस तरह है, देख सकते हैं, और पचोनी इसी तरह दिखता है, अभी फिर पानी है ना इसलिए पानी सूखेगा उसके बाद इसका कलर आएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी हम लोग कितना जंगल में आए हैं, जंगल के बीचों बीच में देख सकते हैं, और इधर हम लोग बना रहे हैं, और हमारा घर एकदम ये पोल दिख रहा है ना उससे और आगे है बहुत, यहाँ से समझ लीजिए 1 किलोमीटर घर है, और इधर तो कोई, इधर तो फिर कोई गाँव का नाम ही नहीं है। तो इधर साइड में हम लोग आए हैं इंजॉय करने के लिए, आराम से इधर खा पी के जाएंगे। दोस्तों अभी हो गया है, देख सकते हैं पूरा पक गया, अभी फाइनली अभी हम लोग उतारेंगे, देख सकते हैं इस तरह कुछ इसका स्थिति देख सकते हैं, पूरा ये बन गया है, अभी उतारने का पारी है, और टेस्ट करते हैं कैसा है, कैसा बना है, आप लोग को बताएंगे, ठीक है। मैंने दोस्तों अभी उतार रहा है, ठीक से उतरना रे नहीं तो गियो हो जाएगा। उतर रहे हैं, देखा गिराना नहीं भाई, हाँ उल्टा दोस्तों ये उतर के ले आए, और इधर आराम से मिजाज से अभी हम लोग बैठेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी चेक कर लो कलर अभी कैसा लग रहा है, अभी के लिए टेस्ट करने के बारी है, तो देख सकते हैं अभी इस तरह कुछ अभी बना है, अभी टेस्ट करेंगे तभी पता चलेगा कि कैसा है सो, ठीक है। तो दोस्तों अभी ये थाली में निकाल रहे हैं, और देख सकते हैं क्या स्थिति हो गया है, अभी थाली में निकाल रहे हैं, इसको टेस्ट करेंगे, और उसके बाद बैठेंगे आराम से मिजाज से, और क्या बोलते हैं हाँ उतना अभी निकलना, पहले उसको ख़त्म करेंगे मिजाज से, इधर मिजाज से बैठ। तो दोस्तों अभी हम ट्राई करके आप लोग को बताते हैं, और टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा लग रहा है, देख सकते हैं इसको, अब बहुत गर्म है यार, बहुत गर्म गर्म था यार, क्या बात गरम था भाई। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी हम लोग खाने स्टार्ट कर दिए हैं, तो देख सकते हैं लहसुन भी कितना मस्त एकदम पका हुआ है, कलर थोड़ा चेक कर लीजिए कितना मस्त देख रहे, कैसा लग रहा है भाई थोड़ा रिव्यू, बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है ना। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी हम लोग एकदम आराम से मिजाज से बैठ करके हम लोग अभी खा रहे हैं, और देख सकते हो भी अभी है बचा हुआ, यही अभी ख़त्म नहीं कर, अभी स्टार्ट ही किया हूँ, देख सकते हैं अभी मैं भी अभी लहसुन खा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा लग रहा है खाने में है ना। तो दोस्तों यहीं पे वीडियो एंड करते हैं, हम लोग अभी खाते हैं, फिर मिलेंगे फिर अगला वीडियो में, ठीक है।